Good morning. गुड मॉर्निंग का जवाब तुमने दिया था? हाँ, मैंने दिया था। तुम तो अपने धुन के बिल्कुल पक्के निकले। आखिर तुमने मुझे जीत ही लिया। डार्लिंग, डार्लिंग, तुम तो क्या कह रही हो डार्लिंग? मुझे यकीन नहीं आता। मैं सच कह रही हूँ प्यारे लाल, तुम तो मुझे सपनों में भी सताने लगे। क्या मैं भी तुम्हारे सपनों में आती हूँ? अरे नहीं, किसका देखो आती है जो सपना है, इसीलिए तो दिन में 16 ट्रिप इस रोड के मारता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी प्यारे लाल, मुझे माफ कर दो, वाकई मैंने तुम्हें बहुत सताया। डार्लिंग, अपने आशिक पर खुशी का इतना लोड मत डालो, वरना अपनी गाड़ी इधर ही बैठ जाएगी। मेरा तो दिल तुमसे बहुत बातें करने को चाह रहा है। डार्लिंग, आज अकेले में कहीं मिलो ना। अरे स्वर्ग कब आऊंगा, जगह बताओ। जगह? हाँ, हनीमून पॉइंट, ठीक 5 बजे। अच्छा अच्छा, बाय बाय। 5 बजे? बाय बाय, 5 बजे। अरे मैं तो अभी से जाके डरा डाल देता हूँ, अब घर कौन जाता है? ओ खोजे मजनू का बच्चा, उठो। मैं बोला उठो। क्या तुमको भी लाला के बाप ने भेजा है? लाला की बहन ने भेजा है। लाला कौन? लाला उषा। उषा? अब मकान तो उसको पहचानता भी नहीं है। उषा ले जा रहे हैं लाला। मजनू का बच्चा किधर गया? औरत है या पटाखा? बॉस
अब फार्मूला 41 रखूं या? समझ गया अबे रख, देखता नहीं क्या कामयाब हुआ है, यही फार्मूला था जो लड़की को खेत के यहाँ लाया। इसमें जरा देख, हल्दी और चूना तो नहीं है। चौबे जी, नमस्ते। अच्छे तो हैं आप? आप मुझे पहचानती हैं? जी हाँ, बस एक दफा आपकी सूरत देखी थी, अभी तक नहीं भूली हूँ। और आप तो सारे शहर में मशहूर हैं। आपकी मेहरबानी है जी, एक छोटी सी मेहरबानी मुझ पे भी कीजिए। आजकल मैं बहुत परेशान हूँ, एक गुंडा पीछे पड़ गया है। आपके आप पढ़े हुए? आपने अपॉइंटमेंट लिया था? लिया था। बैठी बैठी, मैं ये कह रही थी उसने घर से निकलना दुश्वार कर दिया है, उस पे झिड़कियों का कोई असर ही नहीं होता। वही हालत अपनी भी है। फिर तो फार्मूला नंबर 41 लागू होता है। 41 41 40 पर एक। लेकिन कहीं आपकी तरफ से तो गया हाथ, गया जी, ये रहा ये रहा। ओह वेरी गुड, अब फिर तो आपको मोहब्बत करना पड़ेगी। हाय राम, आपके जब भी वो मिले उससे बड़े प्यार से बातें करो, अपनी जुल्फों को शाने पर बिखेर दो, होठों पर मुस्कुराहट की झनकार लिए, आंखों में आंखें डालकर उसके गले में बाहें डाल दी। सेक्रेटरी, फिर मतवाली चाल चलकर उससे कहो, डार्लिंग आज शाम को अकेले में कहीं मिलो ना। डार्लिंग आज शाम को अकेले में कहीं मिलो ना। उसके बाद चौबे जी? उसके बाद फार्मूला 41, दो पठान हट्टे कट्टे मोटे तादे डंडों के साथ वहाँ पर खड़े कर दो, और जैसे ही वो नालायक वहाँ आए फार्मूला शुरू। दे दनादन। फॉर योर इंफॉर्मेशन इन ब्रॉडकास्टिंग, इसका भूत उसके सर से तो क्या बल्कि उसकी नस्ल के सर से भी भाग जाएगा। अरे भतीजी, तुम ये जो दिन भर जुगाली करती हो ये तो ठीक है, लेकिन ये जो तोप चलाती हो ना, इससे किसी दिन मेरा हार्ट फेल हो ही जाएगा। नहीं, बेकार बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई नई स्कीम सोचो अंकल। ये पेपर मैं मौसम का हाल मालूम करने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, एक आइडिया निकाल रहा हूँ। आइडिया, जरा एक मिनट। अंकल भाग। क्या भाग के? अरे बापरे, वो रहे। नहीं तू उधर से। खबरदार भागने की कोशिश की तो है? अरे भागने का दम किसमें बचा है भाई, जो कोशिश करेगा। पैसा निकाल। पैसे? 30,000, पूरे 30,000। 30,000? कैसे 30,000? अभी भी होशियारी है? अबे एक हाथ दूंगा सभी याद आ जाएगा, समझे? देखो टच करने की बात नहीं है, हाँ गाली देना है तो दे सकते हो। अबे पैसा निकाल, चल। देखो मैं कहता हूँ छोड़ दो कॉलर, एक बार मेरा सर फिर गया तो बहुत भारी पड़ जाएगा। पैसा अभी मिल जाएगा। निकल निकल। अंकल ये पार्टी जरा टेढ़ी लगती है, काहे को झंझट में पड़ना, दे दो ना पैसे। तुम ठीक कहती हो भतीजी, मुझे भी ऐसा लगता है कि इनको हमसे ज्यादा पैसे की जरूरत है। कोई बात नहीं, दे देते। ये लो पूरे 25,000। 25? हाँ। बाकी ये 5,000 वो हम खा गए। ए, इधर आ। देखो देखो देखो, तुम फिर टच कर रहा है, दूर से बात करो। जोक विथ माउथ नॉट विथ हैंड। ये दूंगा अभी खींच के। देखो हीरो, अभी अपने पास 5,000 है नहीं, जिस दिन होंगे उस दिन दे देंगे। ये शराफत का राग किसी और को सुनाना,
हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं मिस रेनु। जानते तो हम भी आपको बहुत अच्छी तरह से हैं मिस्टर रवि। हमें आप दोनों के सारे चक्कर पता है। यही तो मैं भी बोल रहा था, आपस में झगड़ा करने से क्या फायदा, आखिर को हम पंछी एक डाल के आपस में मिलजुल कर दाना दुनका चुन लिया करें। एक आइडिया है अपने पास बहुत तगड़ा, अगर सूट करता हो तो। नहीं नहीं नहीं, नहीं अरे रखो नहीं, अपना नहीं। आइडिया अपने पास, हमें हमारे 5,000 रुपए दे दो। एक मिनट रवि, एक मिनट, जो लोग हमें दाव दे जाए उनमें कुछ तो दम होगा। नहीं नहीं, नहीं। सुन लेते हैं आइडिया यार। छोड़ यार। अरे मान जा यार, क्यों नखरा करता है। ये देखो आज के अखबार में खबर है कि अगले इतवार को होटल शीश महल में महारानी कमलपुर जोरदार पार्टी दे रही है, और सुना है कि उनके गले में जो हार है उसमें लाखों रुपए के हीरे हैं। अगर हम चारों मिल जाए तो 50-50 मंजूर है। लेकिन हमारे 5,000 अलग से। लीजिए, ये अभी तक वहीं अटके हुए हैं। अच्छा बाबा, तुम्हारे 5,000 अलग से, डन। डन डन। सेठ जी, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगी। देखो मैडम, मैं उधार देने का धंधा करता हूँ, मोहलत देने का नहीं। मोहलत चाहिए तो कोई दूसरा साहूकार ढूंढ लो, मैंने तो हमारी रकम और 3% ब्याज दे दो। देखिए, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, मैं आपको जबान देती हूँ। मारे पास मारी जबान है और बहुत बढ़िया काम देती है, थारी एक्स्ट्रा जबान लेके क्या करूँगा। मैंने तो हमारी रकम चाहिए, थारी जबान नहीं। अच्छा ठहरिए, कितना पैसा है आपका। ब्याज पकड़ के 30,000 होता है। 30,000। देखिए वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, वो तो 30,000 से कहीं ज्यादा की ही है। मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, आप अपने 30,000 के बदले में मेरी गाड़ी ले लीजिए। ये गाड़ी कम से कम 1,00,000 की होगी। नहीं नहीं नहीं, या तो खोटो धंधो है, थारी गाड़ी है तू ही बेच, मैंने तो हमारी रकम दे दे। ठीक है मैं बेच दूंगी, लेकिन सेठ मोटर गाड़ी और सब्जी तरकारी में कुछ तो फर्क होता है, ये इतनी सड़क पर खड़े खड़े तो नहीं बेची जा सकती, इसे बेचने के लिए मुझे 2-4 दिन की मोहलत। नहीं 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 नहीं, मोहलत तो हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है, आज या तो मैंने हमारी रकम मिलेगी या तू जेल जाएगी। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है सेठ जी। बहुत अच्छे, ये तो वही बात हुई वो क्या कहे है ना, कि तू कौन कह मैं खा मखा। अरे जाओ भाई जाओ, धंधे की बात करने दो। हम भी धंधे की बात करने आए हैं सेठ जी, अगर आप इजाजत दें तो। जी आप लोग हैं कौन और चाहते क्या हैं? हमें आप अपना दोस्त अपना हमदर्द समझिए, क्या 2 मिनट के लिए हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं? बैठिए। जी शुक्रिया। हाँ तो सेठ जी, आपके कितने पैसे इनको वापस करने हैं? वाह राजा हरिश्चंद्र, ऐसे पूछ रहे हो जैसे मालूम पड़ते ही नोट टेबल पे रख दोगे। अरे वाह, नोट भी असली है। जी मैं तो आप लोगों को जानती नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरा नाम रवि है, ये विजय, हम दोनों भाई पास की टेबल पर बैठे थे, और जिस तरह से ये सेठ जी आपको धमकियां दे रहे थे हमसे सुना नहीं गया। आप कर्ज उतारने के लिए कार बेचने को तैयार हैं, हम आपकी मदद करने के लिए कार खरीदने को तैयार हैं। I see. सिर्फ आपकी मदद के लिए, वरना हमें इस कार की कोई जरूरत नहीं और ना ही हमें कोई शौक। वाह भाई वाह, पुष्पा जी कौन कहता है दुनिया में इंसानियत नहीं है। कितने है भाई? पूरे 30,000। पूरे 30? पूरे ही होंगे, अब तुम कहते हो तो गिन लेता हूँ। आप लोगों ने ये कार खरीद कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। देखिए अब शर्मिंदा कर रही हैं आप हमें, इसमें क्या बात है, आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। गाड़ी की चाबी ये लीजिए। कितना अजीब इत्तेफाक है कि आप लोगों से इस तरह मुलाकात हुई, और मुझे तो लगता है कि भगवान ने आप दोनों को मेरी मदद के लिए ही भेजा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद ही आ गए। और गाड़ी के कागजात? वो आप मेरे घर आके ले लीजिएगा। हाँ। ये रहा मेरा कार्ड। पुष्पा भार्गव जी मेरा नाम है। बहुत सुंदर नाम है। पूरे 30,000 बेकार गिनवाए, मैं तो पहले ही कह रहा था। आपके पैसे मिल गए? बिल्कुल मिल गए, आइंदा पैसे की जरूरत होवे तो सेठ जी मरा नहीं है, बस हुक्म करना। आप लोग भी मेरा कार्ड रखो। ठीक है अब आप जा सकते हैं। थैंक यू।
मैं पूछता हूं इस सारे गांव में बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही रह गया था? ये देखिए आपकी तरकीब नंबर 14, सिर्फ 1 इंच का फर्क रह गया, वरना एक बाजार बंद हो जाता। आप चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? मामा जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। फर्क 1 इंच का फर्क, किले नंबर 14 तुम पर से कुर्बान, बेटे महबूब जाओ और घी के चिराग जलाओ। किले नंबर 14 में 1 इंच का फर्क लिखा था। मिया घबराइए नहीं, किले नंबर 15 में 1 इंच का फर्क भी जाता रहे। क्या कहा? 1 इंच का भी फर्क जाता रहेगा? लेकिन बाजार बंद नहीं होगा, मन मंदिर के किवाड़ खुलेंगे और दो बिल हमेशा के लिए मिलेंगे। गुरु देर न कीजिए, चिल्ला नंबर 15 फॉर्म बता दीजिए। अब पी लो। बरखुरदार जा रहे हो, हंस के जाओ और हंसा के जाओ। क्या कहा मामा सुंदरमुख? हंसा के जाऊं? हंस के जाओ और हंसा के जाओ। मैं तो रो रहा हूँ मामा, लेकिन आपको बहुत दिनों से हंसा रहा हूँ। लीजिए आज भी हंसी लीजिए। लेकिन एक बात याद रहे, अगर तरकीब नंबर 15 कामयाब न हुई तो आपकी जिंदगी की आखिरी हंसी होगी, गला दबा दूंगा। और चमचे साहब आप भी सुन लीजिए, ये जो आपकी जुल्फे हैं इनको बत्ती दिखा दूंगा, समझे? बहुत एक एक की लौंडा बना गया, एक एक की नोट पकड़ा गया। गिन जल्दी से। तुम कौन हो बच्चा? महाराज को क्यों सैंडविच कर रखा है? आपकी कृपा चाहते हैं महाराज। महाराज के पास सिवाय इस लकड़ी के और कुछ भी नहीं है बच्चा। नहीं महाराज, आप हमारे साथ चलिए, हम आपकी सेवा करेंगे। मतलब की बात करो बच्चा। महाराज मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, बहुत कुछ कहा सुना लेकिन वो नहीं सुनती। वो नहीं सुनती तो तुम उसकी सुनो बच्चा। महाराज कोई और रास्ता बताइए। और 3 रास्ते है, एक पुलिस चौकी जाता है, दूसरा जे अस्पताल जाता है और तीसरा जिधर हम जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, उल्टे सीधे की गत है। महाराज मुझे रात को नींद नहीं आती। रात में नींद नहीं आती तो दिन को सो बच्चा। दिन में काम काज रहता है महाराज। काम काज रात में करो बच्चा। राम नाम सत्य है, उल्टे सीधे की गत है। महाराज मैं बहुत करता हूँ महाराज, मुझे सट्टे के 2 आंकड़े दीजिए। सट्टे के 2 आंकड़े के बच्चे, एक लकड़ी में 4 दांत गिराऊंगा। एक लकड़ी 4 दांत कैसे चौका? राम नाम सत्य है, उल्टे सीधे की गत है। बाबा कौन है ये बालक? उठो बच्चा, क्या लेने आए हो? महाराज मैं अच्छे जग से बंधन तोड़ आया हूँ, अकेला हूँ, हजारों आफते झेलेला, लाखों दुख सहेला हूँ। बसाले अपने मन में, अपनी कुटिया में जगा दे दे। गुरु तुझको बनाता हूँ, कसम से तेरा चेला हूँ। महाराज मैं शांति ढूंढ रहा हूँ, मुझे शांति चाहिए। शांति मनुष्य के मन में होती है बच्चा। वो तो ठीक है महाराज, लेकिन बाहर निकालने का कुछ उपाय? यही ही कौन करता है? इतने ऊंचे दरबार में बैठने का चांस मिले तो कैरेक्टर भी ऊंचा रखना चाहिए। तो महाराज बालक ठीक कहता है जगन्नाथ। क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव। गुरुदेव मेरे पाँव में भी अपनी बेड़ियाँ डाल दीजिए। जब दुख और विपत्ति आती है तो मनुष्य संसार से भागता है, किंतु समय बीतने पर यही संसार उसे सुंदर लगता है। अपने घर वापस जाओ बच्चा। मेरा कोई घर नहीं, मैं अकेला हूँ, मुखड़े में कह चुका हूँ। महाराज मुझे तो आप अपना योगी बना लो। योग की राह बड़ी कठिन है बच्चा, ये दूध माखन से पाला हुआ शरीर योग का सहन नहीं कर सकेगा। आपकी मदद से सब कुछ हो सकता है, और फिर मैं चोट खाया हुआ आदमी हूँ, बहुत जल्दी पिकअप कर लूंगा। योग में शरीर को भस्म और मन को मारना पड़ता है बच्चा। मुझे मंजूर है, मैं मारूंगा, भले ही मेरी जान जाए लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा महाराज। योग नीम का कड़वा रस है बच्चा। कुछ परवाह नहीं, मैं काफी करेले की भाजी खा चुका हूँ, ये नीम का रस भी चाय समझ के पी जाऊंगा महाराज। तेरी बातें चंचल हैं बालक, और चंचलता संसार की शोभा है।
वापस जाओ और सच्चे कर्मचारी बनो। कमाल है, आदमी संसार से घबराकर गुरुजी के पास आता है और गुरुजी विदाउट टिकट उसको वापस संसार में। कुछ तो सोचिए गुरुजी। ऐसे विचार से मन छोटा ना करो बालक, भगवान तेरी चिंता दूर करेंगे। अच्छी बात है, लोहे ने सोचा था पारस के साथ लग के सोना बन जाएगा, उसको क्या मालूम था साथ लगना न लगना पारस के हाथ से। जाता हूँ वापस उसी खड्डे में। ठहरो बच्चा, तेरी बात मेरे मन को लगी है, मैं तुझे योगदान करता हूँ। वाह महाराज वाह। जय गुरु रामनाथ की। गुरु रामनाथ की।